अफगानिस्तान से करे चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से करे चाहे वो किसी भी हाथ से जाए, मुझे ये बहुत घटिया काम है, शर्म आना चाहिए इंडिया वालों को। देखिए इंडिया ने पहले भी मारे हमेशा ऐसे किए थे, वो क्योंकि हमेशा कोशिश होती है पीछे से छुड़ा घूमते, उन्होंने सभी किया, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे उनसे, वो भी वर्ल्ड कप में, और उन्हें जब अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने मार्टिन गुप्टिल की वाइफ को मैसेज किया है, ये एक फेक ईमेल किया है कि आपके हस्बैंड की जान को खतरा है, तो इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन जो भी ये बंदा है उसने ये फेक जो न्यूज़ है वो बनाई है, उसके लिए जो है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये इसने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह करके। वो जेलसी भी फील कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो हम रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो हम ये देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो 16 बिलियन डॉलर है बेटा, तुम्हारे यहाँ 16 बिलियन डॉलर है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है, 85 बिलियन डॉलर। तो तुम्हारा जो 16 बिलियन डॉलर तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने, सोचिए ये ससुर को नहीं को पते नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ गलत करें। इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहिए? पहली बात यह है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है इंडिया के लिए खासकर, कि वो कुछ कर नहीं सकता, सामना तो कर नहीं सकता हमारा। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, और छुप के वो वार कर रहा, और छोटे से लड़के के कहने पे जो न्यूजीलैंड के कप्तान ने किया वो तो डरपोकल वाला काम, उससे ज्यादा न्यूजीलैंड ने किया, तो ये न्यूजीलैंड की टीम को भी सोचने दिए थे कि यार हम इतने छोटे से इशू के लिए हम ग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, डरपोकल वाला काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान को बचाना था, बताना चाहिए था, उनका काम था हम पाकिस्तान को बताएं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को बताएं कि भैया हमारे साथ ये काम हो रहा है, पाकिस्तान क्या कहता है, हम तो उनके साथ खड़े थे, हमारी पूरी आवाम उनके साथ खड़ी थी, हमारी जिस मुल्क में जितनी सिक्योरिटी उनको दी गई है उनको मेरे ख्याल से घर में नहीं मिलती। तो न्यूजीलैंड को पता नहीं था क्या आपकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है, पाकिस्तानी कितने अच्छे जवान हैं, कैसे जवान हैं पाकिस्तान के, ये तो पाकिस्तान ने कितनी अच्छी सिक्योरिटी दी थी इंडिया वालों को, उसको न्यूजीलैंड वालों को, तो खुदा उनको सोचना चाहिए था, जो रात कब्र में है ना वो बाहर नहीं है, और ये तो हमारा अकीदा है ना मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है, तो इंडिया वालों ने बहुत गंदी चाल चली है, वो हमारे से जेलस हो रहे हैं यहाँ पे भाई, हमारे ग्राउंड आबाद न हो, खेलों की ग्राउंड आबाद न हो, लिहाजा ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने खान वजीर आजम इमरान खान, वो सपोर्ट मैन है, वो खेलों को समझते हैं, और हमारे यहाँ पे स्टेडियम आबाद होने चाहिए, वीरान नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान होते हैं। देखें हम तो यही कहेंगे कि अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने पिछले 10 साल से बहुत एफर्ट कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी, तो जाहिर सी बात है इंडियन आपको पता ही है कि वो कैसे बंदे हैं, उनको ये बात हजम नहीं हुई होगी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के देखें जब सीरीज हुई थी उनके प्लेयर मेन नहीं थे आ रहे, वो आईपीएल में चले गए, उसके बाद उन्होंने वो आई टीम आई प्रैक्टिस सेशन उन्होंने किया एग्जैक्टली, अब मैच से पहले वो छोड़ के चले गए, तो इसका जाहिर सी बात यही है कि इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही, तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे पाकिस्तान, हमने तो टिकट भी बुक की हुई थी, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, तो हम यही कहेंगे शेमफुल एक्ट है उनका, और ये तो इंडिया ने जो काम किया वो तो बिल्कुल गंदा नहीं आया, तो गंदा घटिया काम किया, वो आज ऐसे ही करते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो चाहे वो उनका अपना घर का मामला हो, उन्होंने बुत परस्ती का काम करना होता है, बुत के पीछे छुप के काम करने होते हैं, आगे जय माता जी पीछे खे माता जी, वो फारे लोग हैं किसी काम के नहीं है, घटिया काम करते हैं, दिल है ताकत है हिम्मत है सामना करो आके, सब दुनिया को बताओ कि जी हम टक्कर ले रहे हैं पाकिस्तान से, ये तो एक बचकाने का लगा बहुत घटिया काम है इंडिया का। बहरहाल न्यूजीलैंड को ये चाहिए था कि वो हमें बताती, फिर भी हमें अपने मुल्क पे फख्र है, अपनी टीम पे फख्र है, अपनी सिक्योरिटी पे फख्र है हमें, मगर दुनिया को मैसेज गया इस चीज़ का कि न्यूजीलैंड की टीम डरपोकल टीम है, वो हमारा सामना नहीं कर सकी, दुनिया को ये भी मैसेज गया कि इंडिया ने दुनिया का सबसे घटिया काम किया है कि वो छुप के वार करता है पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान से करे चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डरों से करे चाहे वो किसी भी हाथ से जाए, मगर ये बहुत घटिया काम है, शर्म आना चाहिए इंडिया वालों को। देखिए इंडिया ने पहले भी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही किया है, वो उनकी हमेशा कोशिश होती है पीछे से छुरा घूमते, वो उन्होंने इस दफ़ा भी किया है, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे उनसे, वो भी वर्ल्ड कप में, और उन्हें जब सर ये जिस मुल्क में इतने मसले हो, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लोगों को रोटी पानी का मसला हो, उस मुल्क में जब आपको जब अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किसके साथ पंगा किया, जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात रही तो उनसे हमारा एक बार अच्छा रिलेशन था, हम जो क्राइस्टचर्च में हमला हुआ तो उसके बाद हम पहली टीम थी जो वहाँ गई थी,
लेकिन उनका ये हमारे साथ करना और हमें ना बताना मसला भी उस वक्त पे, ये गलत बात थी। तो इंडिया से तो हम इसका बदला लेंगे, अब न्यूजीलैंड भी उस फहरिस्त में शामिल हो गया हमारे लिए, तो हम उससे भी अब आगे बदला लेंगे। तो जिस लड़के ने हरकत किया उस